जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप BSF रेडियो ऑपरेटर यानी कि RO और RM रेडियो मैकेनिस्ट जो फॉर्म है 247 पोस्ट में 2023 में निकाला गया है। इस फॉर्म में जो है ना, इसमें देखिए क्या क्या अपलोड करना है। तो आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, एक सिग्नेचर अपलोड करना है, और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है या ITI का सर्टिफिकेट। और अगर आप जनरल छोड़ के किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो अब सवाल आता है कि फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा तुल कलाम नहीं करना है, केवल और केवल जो इसमें सबसे ज्यादा झंझट का काम होता है ना, वो फोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में ही होता है, क्योंकि अपलोड लेता ही नहीं। तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे फोटो अपलोड है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड है, यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड है, यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट अपलोड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र अपलोड है। इसका जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये बोल रहा है कि नोट, फोटो 30 से 100 KB के बीच होना चाहिए, साइन 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन और कास्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 30 से 100 KB के बीच होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट चाहिए JPG और JPEG PNG PDF फॉर्मेट में चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे क्या है ना, जो अपलोड किए हैं इसको डिलीट करते हैं और आपको अपलोड करके दिखाएंगे कैसे अपलोड कर रहा है। ये फोटो को पहले हम डिलीट कर लेते हैं, और फोटो को यहाँ पे क्या है ना कि हम सबसे पहले फोटो को डिलीट करेंगे और डिलीट करेंगे, उसके बाद हम फिर यहाँ पे देखिए सिग्नेचर को डिलीट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम क्या है ना कि इसको डिलीट कर लेते हैं। सबको हम बारी बारी से पूरी A to Z जो जो भी चीज हम अपलोड किए हैं ना, सबको हम डिलीट कर लेंगे। डिलीट इसलिए हम कर लेते हैं ना ताकि ये हो जाए कि डिलीट करने के बाद मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा ना, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि अपलोड कैसे करना है। अगर मैं अपलोड करके नहीं दिखाऊंगा ना, तो देखिए जैसे अभी मैं अपलोड पहले से किया हूँ, तो वो कैसे अपलोड किया हूँ, मतलब मैंने कैसे किया कि ये अपलोड हो गया। अभी आप देख सकते हैं जो 5 डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर और मैट्रिक का मतलब सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट और यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, सभी में कुछ अपलोड नहीं है, मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। तो देखिए अपलोड करने के लिए यानी कि सबसे पहले हमको इसका मतलब साइज बनाना होगा, जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 30 से 100 KB का फोटो होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना कि अपने मोबाइल में हम यहाँ पे हम मोबाइल अपना गूगल खोलेंगे। हम अपने मोबाइल में सबसे पहले क्या है ना कि गूगल ओपन करेंगे, और गूगल ओपन करने के बाद आपको एक वेबसाइट सर्च करना है। इस वेबसाइट का नाम है रिसाइज इमेज। आप रिसाइज इमेज लिख के गूगल पे सर्च करेंगे, रिसाइज इमेज लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आएगा रिड्यूस इमेज और रिसाइज ऑनलाइन JPG BMP GIF PNG इमेज। आप यहाँ पे देखिए reduceimage.com इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप रिसाइज इमेज वाले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ना, तो इसका कुछ वेबसाइट का लोगो इस तरह का है, रिसाइज एन इमेज, और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ब्राउज का ऑप्शन है और यहाँ पे सेलेक्ट का इमेज का ऑप्शन है। आगे स्क्रॉल करके दिखिएगा तो ऐसे कुछ ये आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन है ना, इसमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करना है, और हमको क्या चाहिए तो 30 से 100 KB का चाहिए। तो देखिए ये मेरा फोटो है जो कि है यहाँ पे 182 KB का, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी से दिख जाए। और यहाँ पे हम डाउनलोड में आते हैं, और डाउनलोड में आने के बाद हम चलिए सबसे पहले आपको फोटो दिखा देते हैं। थोड़िए ये डाउनलोड में मतलब यहाँ पे लार्ज फाइल, इसको हटाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, और डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड में आते हैं। तो ये फोटो हमारा डाउनलोड में नहीं है, ये फोटो हमारा दूसरी जगह है। यहाँ पे डाउनलोड में आते हैं, देखिए यहाँ पे डाउनलोड में आए तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यहाँ पे सिग्नेचर है, यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे फोटो है। फोटो का अगर आप साइज देखिएगा तो यहाँ पे 182 KB आपको दिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है जो फोटो का आपको रिसाइज करना है। यहाँ पे आप KB पढ़ सकते हैं, 177 KB दिखा रहा है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो 70 है, हाइट है वो 70 है, और यहाँ पे रिसोल्यूशन 72 है, और ये फॉर्मेट जो है यहाँ पे देखिए JPG मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे PNG भी है, GIF भी है, तो हम JPG रहने देंगे। और यहाँ पे देखिए ये क्वालिटी इसका 90 है, और यहाँ पे हम रिसाइज पे क्लिक करेंगे। क्वालिटी 90 करने के बाद रिसाइज किए अगर हम, तो यहाँ पे देखिए क्वालिटी 90 करने के बाद अगर हम यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 27 KB का फोटो हो रहा है, यानी कि हमको 30 से 100 KB का फोटो चाहिए। तो हम इस 90 को कट करेंगे, यहाँ पे 90 को कट करते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 93, और 93 करने के बाद
हम यहाँ पे फिर से रिसाइज पे क्लिक करेंगे, देखिए 32.84 KB का हो गया। अब जैसे देखिए आप इसको अगर ज्यादा है तो इस क्वालिटी को कम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 90 से स्टार्ट किया था, अगर यहाँ पे हम जिसे यहाँ पे 86 से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए अगर 86 करके रिसाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे 22 KB का हो जा रहा है, यानी कि अगर आपका फोटो ज्यादा का है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कट करेंगे और कट करने के बाद यहाँ पे हम 96 कर लेते हैं और 96 पे हम रिसाइज करते हैं अगर, तो 44 KB का हो गया। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड करने के बाद हमारा इमेज डाउनलोड हो गया। अब BSF रेडियो ऑपरेटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे जहाँ फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे। अपलोड फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ब्राउज पे आएंगे, और ब्राउज पे आने के बाद देखिए अभी इस 45 KB को फोटो का हम रिसाइज किए थे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है ना हमारा देखिए ये पूरा सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया। अब फिर क्या करना है ना कि यहाँ पे हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर क्या करना है तो हस्ताक्षर 20 से 50 KB का करना है। तो यहाँ पे फिर से हम उस वेबसाइट पे आएंगे और आने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना है ना कि देखिए अभी मेरा फोटो सेलेक्ट है, इसको कट करेंगे और यहाँ पे फिर से सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, फाइल में आएंगे और फाइल में आने के बाद देखिए 263 KB का मेरा सिग्नेचर है, इस सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 96 है, रिसाइज पे क्लिक करते हैं। 96 पे करने के बाद, रिसाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 55.91 KB का हो जा रहा है। तो हमको 50 KB का ही चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे कट करेंगे और कट करने के बाद हमें यहाँ पे 92 कर दे रहे हैं, यानी कि 92 कर दे रहे हैं, रिसाइज करेंगे। 92 पे रिसाइज करने के बाद यहाँ पे देखिए 36.66 KB का हो गया। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके देखिए हमारा जो ये इमेज भी है डाउनलोड हो गया। फिर से हम आएंगे BSF के वेबसाइट पे और BSF के वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और ये देखिए अभी जो है हम 37 KB का सिग्नेचर बनाए थे, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो अपलोड करना है 30 से 100 KB का। फिर से हम उस वेबसाइट पे आएंगे, यानी कि रिसाइज इमेज का वेबसाइट पे आएंगे और आने के बाद यहाँ पे हम इसको कट करेंगे और कट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, फाइल में जाएंगे, ये मेरा 10th का सर्टिफिकेट है 231 KB का, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वालिटी 92 ही रहने देंगे और 92 पे अगर हम रिसाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये 39.1 KB का आ रहा है। तो थोड़ा और हम भरा बढ़ा दे रहे हैं इसको, यहाँ पे हम 95 कर दे रहे हैं क्योंकि हमको 100 KB तक चाहिए, तो यहाँ पे 96 कर दे रहे हैं। और 96 करने के बाद फिर से यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 55 KB का हो गया। डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पे हमारा इमेज ये भी डाउनलोड हो गया। अब फिर से हम BSF रेडियो ऑपरेटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे जो रिक्रूटमेंट वाला वेबसाइट है, यहाँ पे 10th के सर्टिफिकेट पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप फाइल्स पे क्लिक करेंगे और फाइल में आएंगे। और फाइल में आने के बाद यहाँ पे देखिए अभी हम ये 57 KB का ये मतलब 10th का सर्टिफिकेट बनाया है, इस पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा 10th का सर्टिफिकेट भी हो गया। 12th का सर्टिफिकेट भी हमको 30 से 100 KB के बीच चाहिए। फिर से हम इस पे आएंगे और फिर से इस पे आने के बाद हम इसको कट करेंगे और यहाँ पे हम 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट मेरा जो है ना वो यहाँ पे हम 12th का सर्टिफिकेट पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद 96 पे ही रहने देंगे क्वालिटी और रिसाइज पे क्लिक करेंगे तो 51 KB का हो गया। हम फिर से डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये हमारा लगभग 52-53 KB का जो है ना 12th का सर्टिफिकेट भी रिसाइज हो चुका है। अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप फाइल्स पे आएंगे, फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए 53 KB का है, इस पे क्लिक करेंगे और हमारा जो 12th का भी सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। अगर आप जनरल छोड़ के किसी भी कैटेगरी यानी कि SC ST OBC EWS कैटेगरी से आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है जो कि 30 से 100 KB के बीच। फिर से हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं ना कि पहले 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड है, इसको कट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद देखिए ये मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो कि 323 KB का है, इस पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 96 पे ही रिसाइज करेंगे अगर तो 83 KB का है। तो हम थोड़ा कम कर ले रहे हैं यानी कि इसको हम करेंगे ऐसे तो हम अपलोड कर सकते हैं ना, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ 92 करके और यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा 65 KB का हो गया। डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे और ये हमारा डाउनलोड हो गया। देखिए यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करने के बाद फाइल में आएंगे और फाइल में आने के बाद
ये देखिए ये हमारा ये 66 KB का है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अभी मैं आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड था उस सबको डिलीट करके और सबको फिर से रिसाइज करके कैसे अपलोड करके दिखाया। एज मैं अगर आप भी BSF रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिस्ट का फॉर्म यानी भरना चाहते हैं, अगर आप 12th इंटरमीडिएट ऑफ साइंस से किए हैं या 10th प्लस ITI किए हैं तो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और फोटो रिसाइज में दिक्कत आ रहा है तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।